गुड मॉर्निंग यूकेजी, बट नाउ ब्रिंग योर ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 ओपन करिए बेटा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको यूज बता चुकी हूँ इज आर एम का, उसी यूज पर बेस्ड है ये चैप्टर और आप कर पाएंगे क्योंकि आपने लर्न किया है। क्या फिल करना है, इज एम या आर, आई के साथ क्या बताया गया, क्या लगता है, मैंने बताया है ना इसके पहले वाले वीडियो में। जब इन तीनों वर्ड्स में से आपको चूज करना है, आई के साथ हमेशा लगता है एम। यू हैव टू राइट स्मॉल ए बेटा, क्योंकि सेंटेंस के बीच में वर्ड्स आया है इसलिए स्मॉल ए रहेगा। रीडिंग भी करिए, बोलिए आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर मीन्स मैं एक डॉक्टर हूं। आई एम अ डॉक्टर, देखिए डॉक्टर साहब। अब चलिए शी, बताया है मैंने शी के साथ इज आता है। शी इज अ टीचर, बोलिए शी इज अ T-E-A-C-H-E-R, टीचर। शी इज अ टीचर, वह एक टीचर है। नेक्स्ट W-E-V, वी के साथ क्या आएगा, वी इज होगा कि वी एम होगा कि वी आर। देखो एम तो केवल आई के साथ होता है, एम तो होगा ही नहीं। और वी मीन्स होता है हम लोग, हम लोग मतलब हम लोग एक से ज्यादा हैं, मोर देन वन है। तो जब कोई भी चीज मोर देन वन होगा तो आएगा आर, ए आर ई आर। यू, देखिए यू मीन्स तुम होता है, ठीक है। और उस कॉपी में यू हमने नहीं पढ़ाया है आपको, इसके पहले मिस हो गया, यहां पर मैं बता रही हूं। यू मीन्स तुम, यू मीन्स तुम भी होता है और यू मीन्स तुम लोग भी होता है। यानी यू अकेला भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ हमेशा आता है ए आर ई आर। ओके बेटा, यू आर अ फार्मर, तुम एक फार्मर हो, यानी तुम एक किसान हो। अब दोज, दोज मीन्स वे, और दोज वेब का मतलब कि एक से ज्यादा चीजें हैं। इंक पॉट्स, यहां पे इंक पॉट्स रखी हुई हैं। तो जब दोज के साथ डिसाइड करना होगा तो एम तो आएगा नहीं, इज और आर की बात है। तो जब दोज का मतलब मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, तो क्या आएगा आर। जब भी कोई चीज एक से ज्यादा रहेगी तो क्या आएगा आर, ए आर ई आर। दोज आर इंक पॉट्स, देखिए इसमें इंक भरा हुआ है, इंक पॉट्स। वे इंक पॉट्स हैं, क्या मतलब हुआ, दोज आर इंक पॉट्स, वे इंक पॉट्स हैं। अब नेक्स्ट चलिए, THAT, दैट, दैट मीन्स वह, ठीक। और ट्रेन, वह एक ट्रेन है, एक ही ट्रेन है ना, दैट मीन्स वह, यानी सिंगल चीज के लिए आ रहा है। तो जब सिंगल चीज के लिए तो दैट इज। दीज कीज, कीज देखिए एक से अधिक चाबियां है ना, दीज मीन्स वे चाबियां हैं, एक से अधिक है, ए आर ई आर। श्याम एंड अनीता, दो लोग हो गए, मोर देन वन हो गया, जब मोर देन वन होगा तो क्या आएगा आर। आर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हो। आगे देखिए, फिर आई आया, आई के साथ क्या आता है हमेशा एम। रीडिंग करिए, आई एम अ SHOP, शॉप, KEEPER, कीपर, और शॉप कीपर,
आई एम अ शॉपकीपर, मैं एक दुकानदार हूँ. शॉपकीपर मीन्स दुकानदार. आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, मैं एक दुकानदार हूँ. नेक्स्ट यू, यू मीन्स तुम. यू, यू के साथ क्या आता है हमेशा, आर. यू आर अ कारपेंटर, तुम एक कारपेंटर हो. कारपेंटर नहीं, जो लकड़ी का काम करता है, ठीक है ना, बढ़ाई. तुम एक कारपेंटर हो. नेक्स्ट देखिए, दोज बॉक्सेस यानी वे बॉक्सेस. देखिए मोर देन वन है, एक से ज्यादा, तो जब मोर देन वन है, दोज आया है, तो दोज के साथ आर. अब रीडिंग करिए, बोलिए. टी एच ओ एस ई, दोज. बी ओ एक्स ई एस, बॉक्सेस. आर एच ई ए वी वाई, हैवी. दोज बॉक्सेस आर हैवी. वे बॉक्सेस भारी हैं. हैवी मीन्स भारी. वे बॉक्सेस भारी हैं. नेक्स्ट आइए, देखिए स्नेक है. टी एच ए टी, दैट. दैट यानी वह. अकेली कोई चीज है, लेकिन दैट मीन्स वह. आई एस इज अकेली चीज है, तो इज. दैट इज अ स्नेक, वह एक स्नेक है. नेक्स्ट द बीज, कई बीज हो गई ना, अकेली बी होती तो द बी होता, कई है ना, इसलिए बीज. और जब कई है, मोर देन वन है, तो आएगा आर. बोलिए द बीज आर बिजी, मधुमक्खियां बिजी हैं यानी व्यस्त हैं. आर मीन्स हैं. जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं, एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो आर लगता है हैं. बेटा बुक में फिल करना है आप लोग को, ये आप लोग का होमवर्क है. ओके बेटा, थैंक यू.